में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपको आईफोन के अंदर लॉगिन फील्ड दिखाई दे, सॉरी अनएक्सपेक्टेड एरर, एक्यूरेट प्लीज ट्राई अगेन लेटर, एरर कोड टू। तो ये अगर आपको फेसबुक के अंदर जो है फाइल मैनेजर जब आप लॉगिन करते होते हैं तब दिखाया आपके आईफोन के अंदर फेसबुक को, तो क्या इशू रहता है, इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम आईफोन के अंदर, ये मैं आपको बताने वाला हूँ उस वाले इशू को। तो सिंपली जब आपको ये इशू दिखाई देता है, और रिसेंटली कुछ एक महीने से देखा है कि सर्वर बहुत ज़्यादा डाउन हो रहे हैं फेसबुक के, तो सिचुएशन में आपको क्या करना रहता है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना रहता, एक दफ़े सेटिंग्स में जाइए और यहाँ पर जो है अपने अपने मोबाइल डेटा में चेक कर लीजिएगा फेसबुक के जो ऐप हैं वो बंद है या नहीं, तो यहाँ से आप रीसेट कर सकते हैं इसके लिए। ठीक है, इतना करिएगा और यहाँ पर जो है बैग लाइएगा और फिर यहाँ पर मोबाइल डेटा में जाइएगा और यहाँ से इंटरनेट को सही तरीके से आपको चेक कर लेना है कि बस चल रहा है या नहीं चल रहा है, ये चीज़ आपको चेक कर लेनी है अपने सिम कार्ड के अंदर। तो यहीं पर आप रहते हैं तो यहाँ पर नेटवर्क सिलेक्शन का ऑप्शन आता है, तो यहाँ से आप ऑटोमेटिकली उसको हटाकर इसको एक दफ़े बंद करके चालू कर लीजिएगा। ठीक है, अगर ये वाला इशू देखने को मिलता है आपको फेसबुक के अंदर। और सबसे लास्ट में आप क्या करिएगा कि ऐप स्टोर में जाइएगा और यहाँ पर सर्च कर दीजिएगा फेसबुक को, अगर फेसबुक के अंदर आपको अपडेट दिखाई देता है तो सिंपली आप अपडेट कर लीजिए। यहाँ पर सर्च करेंगे जैसे फेसबुक को, ठीक है, तो आपको एक अपडेट भी दिखाई देगा, तो उसको सिर्फ आपको यहाँ पर अपडेट कर लेना है। जैसे ही आपको रिसेंटली अपडेट आए, अब जैसे यहाँ पर कुछ टाइम पहले अपडेट आया था इसका रिसेंटली, तो यहाँ पर ये रहा फेसबुक, तो फिलहाल यहाँ पर अपडेट नहीं आ रहा, बट यहाँ पर आपको अपडेट दिख जाता। तो लेटेस्ट वर्जन 4 दिन पहले आया था इसमें, जो कि मैंने हाथों हाथ कर लिया था, जिसकी वजह से अभी हमें प्रॉब्लम ये नहीं दिखा रहा, वरना हमको ये प्रॉब्लम दिखाता रहता। तो ये प्रोसेस रहता है इसका। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।